विदिशा में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुभाष बोहत और जिला पंचायत के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुभाषिनी बोहत ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और कुरवाई के विधायक हरि सिंह सप्रे का पुतला फूंकते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। सुभाष बोहत ने बताया कि कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे ने अपने घर पर उल्टा तिरंगा फहराया है, इसको लेकर उन्हें 3 साल की सजा होनी चाहिए। वही कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर SP से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कुरवाई का विधायक हरि सिंह सप्रे जी ने अपने निवास पर, जो उनका खुद का निवास है विधि कुरवाई में, उन्होंने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराया है। इस तरीके से ये घटिया कृत्य है और इस कृत्य के विरोध में आज हमने जिला पंचायत सदस्य, दोनों पूर्व जिला पंचायत सदस्य बेटियों के साथ पुतला दहन किया है और हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और आग्रह करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगर किसी तरीके से उल्टा झंडा लहराया जाता है तो उसके 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। आज हमने हमें हमारे श्रीमान जी हरि सिंह सप्रे जी का पुतला दहन किया है, जो कि कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं दूसरी बार के, और उनने अपने घर पर झंडा उल्टा लहराया है। इस स्थिति में